हेलो फ्रेंड्स, व्रत में अक्सर तीखा या चटपटा खाने का मन होता है, इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए व्रत वाले कटलेट्स। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में बहुत ही सिंपल होते हैं। आप एक बार इसे जरूर बना के देखिएगा। चलिए इसकी रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है। अब हमने इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला है। जीरे को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे समा के चावल, इन्हें हम व्रत वाले चावल भी कहते हैं क्योंकि इन्हें हम व्रत में ही यूज़ करते हैं। अब इन चावलों को हम अच्छे से भून लेंगे घी में। जब चावल अच्छे से भून जाएं तब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। पानी हमें जितने चावल लिए हैं उसके डबल ही लेना है। अब मैंने इसमें डाला है लाहौरी नमक 1/2 चम्मच। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा चावल अच्छे से पक गया है। अब हम इन चावलों को अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इन्हें अपने हाथों से भी मैश कर सकते हैं। आप इन्हें मैश करने के बाद चावलों को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये चावल अच्छे से ठंडे हो जाएं तब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 उबले हुए आलू जो कि मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं, इसमें डाल देंगे। अब मैंने लिए हैं 2 से 3 हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सेंधा नमक। अब इसमें 2 चम्मच भुने हुए मूंगफली का पाउडर मिक्स करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इनके कटलेट्स बनाएंगे। ये देखिए इस शेप में हमें इनके कटलेट्स बना लेने हैं। अब हम इन कटलेट्स को शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है। गर्म होने पर मैंने इसमें 2 चम्मच घी के लिए हैं। अब हम घी को अच्छे से तवे पर फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसमें हम कटलेट्स डालेंगे। कटलेट्स को मैंने सैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने के बाद इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने इन्हें इस तरीके से सैलो फ्राई किया है। मीडियम फ्लेम में दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, बीच बीच में पलटते रहना है। ये देखिए हमारे समा के कटलेट्स बनकर रेडी हैं। अब चलिए इन्हें हम सर्व करते हैं। ये देखिए देखने में कितने ही अच्छे और कितने ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये खाने में ही में भी उतने ही स्वादिष्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप चाहते तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते थे। डीप फ्राई करने के बाद इनका टेस्ट और बढ़ जाता। आप चाहें तो इन्हें हरी चटनी के साथ खाएँ या दही के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से बनाकर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही न्यू डिशेज़ और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ लाती ही रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।